हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज की मैथ की क्लास में हम सीखेंगे एस्टिमेटिंग द सम। एस्टिमेटिंग सम होता है संभावित योग, मतलब ये एक्चुअल नहीं होता है बट एक्चुअल के आसपास होता है। तो इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.5। हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस के जरिए एस्टिमेटिंग सम फाइंड करना सीखेंगे। देखिए, फर्स्ट है आपका एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 आपको एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है। तो देखिए, इधर मैंने ये फर्स्ट वाला सॉल्व किया है। इधर पहले आपको क्या करना है, ये जो दोनों एडेंड्स हैं, मतलब जो ऐड किए जाते हैं, ये होते हैं एडेंड्स 282 और 54। ये क्या है? एडेंड्स। तो आप इन दोनों एडेंड्स को राउंड ऑफ कर लीजिए नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। तो नियरेस्ट 10 से आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। राउंड ऑफ करना मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लीजिए। जैसे 282 है तो 282 नियरेस्ट 10 कर रहे हैं, तो ये 10 के किन टू मल्टीपल्स के बीच आएगा? आपको ओनली 10 तक देखना है, वंस और टेंस प्लेस। तो 10 के किन टू मल्टीपल्स के बीच आएगा? 80 और 90, इन्हीं दोनों के बीच आएगा। ठीक है, फिर अब हम नियरेस्ट 10 कर रहे हैं तो वंस प्लेस को 5 से कंपेयर करेंगे। जो हम जिसके नियरेस्ट कर रहे हैं उसके जस्ट राइट वाले प्लेस को 5 से कंपेयर करते हैं। तो 5 से इसको कंपेयर करेंगे, 5 और 2। तो आपने देखा 5 कैसा है, 2 से बड़ा है। तो अगर जो नंबर है वो 2, जो नंबर आपका राइट में दिया हुआ है वंस प्लेस पर आप नियरेस्ट 10 कर रहे हैं, अगर वो 5 से छोटा है तो आप उसको राउंड डाउन करेंगे, और अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो राउंड अप करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे? राउंड डाउन, क्योंकि ये 2 जो है वो 5 से छोटा है। कंपेयर किसको करते हैं? जिसके नियरेस्ट कर रहे हैं उसके ठीक राइट वाले को। तो ये इसको राउंड डाउन करेंगे। राउंड डाउन यानी कि 10 के लोअर मल्टीपल से, ये लोअर मल्टीपल, ये अपर मल्टीपल, अपर मल्टीपल से राउंड अप करने के लिए इससे राउंड डाउन। तो हम राउंड डाउन करेंगे तो 82 का हो जाएगा 80। तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 280। तो इधर देखिए, मैंने इधर 282 को 280 लिख दिया। फिर आते हैं हम 54 को भी सेम इसी तरह राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट 10 कर रहे हैं तो जो उसका वंस प्लेस है 4, उसको 5 से कंपेयर किया, ये भी 5 से कम है तो राउंड डाउन करेंगे, 50 और 60 के बीच आएगा तो हम 50 रख देंगे। फिर बस जो आपका राउंड ऑफ करने के बाद जो नंबर्स मिले आपको 280 और 50, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यही आपका एस्टिमेटेड सम होगा। मतलब एडेंड्स को राउंड ऑफ करके ऐड कर देना ही एस्टिमेटेड सम होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स आपको इसी तरह सॉल्व करने हैं। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें नियरेस्ट 100 करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करना है। देखिए, फर्स्ट है आपका 108, तो इसको राउंड ऑफ करना भी मैं सिखा चुका हूँ आपको, 108। तो ये 100 के किन टू मल्टीपल्स के बीच आएगा? एक तो 100 और 200, इन्हीं दोनों 100 के बीच आएगा। जिसके नियरेस्ट कर रहे हो उन दोनों के बीच देखना है। 100 के नियरेस्ट कर रहे हो तो आपको देखना है 100 के किन टू मल्टीपल्स के बीच, तो 100 और 200 के बीच आएगा। अब आप नियरेस्ट 100 कर रहे हो तो मैंने क्या कहा, जिसके भी नियरेस्ट कर रहे हो उसके ठीक राइट वाले को, तो वंस टेंस 100, 100 ये हो गया। इसके ठीक राइट में क्या है? 0। इसको 5 से करेंगे कंपेयर। अब 0 को 5 से कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 0 5 से छोटा है, और छोटा है तो राउंड ऑफ करेंगे आप राउंड डाउन करके। तो राउंड डाउन करेंगे तो 108 का क्या हो जाएगा? 100। तो इधर मैंने 108 का 100 कर दिया, ये ठीक है। इसके बाद 253, ये 100 के किन टू मल्टीपल्स के बीच आएगा? 200 एंड 300। अब इसका टेंस प्लेस देखेंगे, क्योंकि नियरेस्ट 100 कर रहे हैं, ये क्या है? 5 है। तो अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो राउंड अप करेंगे, राउंड अप करेंगे यानी 300 हो जाएगा ये। तो इधर 253 का 300। तो बस ये जो राउंड ऑफ करने के बाद 100 आया, ये 300, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये एस्टिमेटेड सम आ गया। राउंड ऑफ करने के बाद ऐड कर दीजिए, वही एस्टिमेटेड सम होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, देयर आर 3781 बैग्स ऑफ राइस,
2930 bags of sugar and 869 bags of wheat stored in a godown. What is the estimated number of the bags in the godown? तो इतने bags राइस के हैं, इतने bags sugar के हैं और इतने bags wheat के हैं एक godown में रखे हुए हैं. आपको estimated number find करना है कि total इनके कितने bag हैं. Actual नहीं पूछ रहा है, वो actual number नहीं पूछ रहा है, आपको estimated पूछ रहा है. तो इसमें आपको नियरेस्ट नहीं दिया कि आपको नियरेस्ट किसके करना है. पिछले क्वेश्चन में आपको दिया था नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 100 करना है, बट इसमें नहीं दिया नियरेस्ट कितने करना है. तो आप क्या करेंगे, आपको अगर ऐसी सिचुएशन आए कि नियरेस्ट आपको ना दिया हो कि नियरेस्ट कितने के करना है, तो आप जो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू है उसके नियरेस्ट करेंगे. तो देखिए इसमें ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू वैसे तो क्या है, 1000, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, क्योंकि फोर डिजिट हैं. इसमें भी थाउजेंड, तीनों में देखना है आपको ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, क्योंकि तीनों को सेम से ही राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट सेम ही होगा. तो इसमें इसको थाउजेंड से कर सकते, इसको थाउजेंड से कर सकते, बट इसको थाउजेंड से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ओनली थ्री डिजिट है, वंस, टेंस, हंड्रेड. तो थाउजेंड से नहीं कर सकते, थाउजेंड से छोटा है हंड्रेड, तो हंड्रेड से जब इसको थाउजेंड से कर सकते हैं तो हंड्रेड से तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं. इसको भी 100 से कर सकते हैं और इसको भी 100 से कर सकते हैं, इसलिए हम तीनों को 100 से नियरेस्ट करके राउंड ऑफ करेंगे. अगर ये भी 1000 होता तो हम इसको भी 1000 से कर देते, क्योंकि ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू देखी जाती है उसी से राउंड ऑफ करते हैं. तो हम सभी को 100 से राउंड ऑफ कर देंगे. तो 100 से राउंड ऑफ, नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करने के बाद हमें 3781 का ये हो गया. 100 से राउंड ऑफ करना मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, ठीक है. फिर इसके बाद तीनों को ऐड कर दिया और हमें एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड बैग्स पता चल गए कि गोडाउन में लगभग इतने बैग्स अवेलेबल हैं. तो इस तरह आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बाकी के पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे.